नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल झा। आज हम रूबरू हो रहे हैं उस शख्सियत से जो लोकसभा में 8 बार सदस्य रहे हैं, माकपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, फिलहाल संघर्ष संदेश जत्था लेकर हनुमानगढ़ आए हैं। हम बात कर रहे हैं माकपा के राष्ट्रीय सचिव हनान मौला। मौला साहब, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप संघर्ष संदेश जत्था लेकर पहुंच रहे हैं, पूरे देश की जो जनता का मिजाज है उसको आप भांप रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि देश की जनता का मिजाज कैसा है। हमारा अनुभव यही है कि हम पूरे हिंदुस्तान में ये जो जत्था लेके निकले हैं, 4 मूल जत्था शुरू हुआ, एक कलकत्ता से आके दिल्ली पहुंचेगा, एक केरल से आके दिल्ली पहुंचेंगे, एक मुंबई से, और हमारा ये चौथा जत्था जलियांवाला बाग से आके पहुंचेंगे, और बहुत सारे सब जत्था हर स्टेट में आके इससे मिलेंगे। और इस जत्था दिल्ली पहुंचेंगे 19 मार्च को, लाखों लोगों का एक बड़ा समावेश होगी जहां हम अपना संघर्ष का जो मुद्दे हैं उसको रखेंगे और आने वाला कार्यक्रम भी वहां ऐलान करेंगे। तो ये जो जत्था का अनुभव है, हम तो पंजाब हरियाणा घूम के आया, आज राजस्थान पहुँचे कल रात को, हमारा अनुभव अच्छा है सब जगह में। एक तो हमारा जत्था का जो मुख्य उद्देश्य है, हम बताए कि हमारा पार्टी मानते हैं कि सिर्फ नेता बदलने से हालत नहीं बदलता है, जब तक नीति नहीं बदलेगा, कोई भी नकाब पहन के कोई नेता सामने आ जाए, हमारा असलियत तो उसका वही है जो कॉरपोरेट प्रस्त है, जो जमींदार प्रस्त है, जो अमेरिकन साम्राज्यवाद प्रस्त है, वो जो स्वार्थ है, निहित स्वार्थ को हिफाजत करता है, ये जो राजनीतिक ताकतें हैं, जो एक तरफ कांग्रेस है एक तरफ बीजेपी है, दोनों ही है एक सिक्का का दो पहलू, गरीब विरोधी है और कॉरपोरेट का पक्ष में है। ये नीति से 64 साल देश चला है, और 64 साल में एक तरफ कॉरपोरेट को बोलबोला हुआ और दूसरे तरफ आम जनता को हालत बिगड़ा, एक शब्द को जिसको कहता है गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। ये जो नीति, ये नीति के चलते, कहीं किसी के किस्मत के चलते नहीं है, ये नीति के चलते, इसलिए हमारा पार्टी ये आवाज उठाना चाहता है नीति बदलो, नीति गरीब का पक्षधर हो, नीति हो मजदूर किसान मध्यम वर्गीय जनता आम जनता दुकानदार कर्मचारियां इसका पक्ष से हितकारी कोई नीति को अपनाओ, और तभी हमारा मेजोरिटी जनता को हित हो सकता, इसलिए नीति बदलने का जो बात है ये हम लेके घूम रहा है। आपने खुद कहा है कि नीति के साथ नियत भी बदलना होगा नेताओं को, राष्ट्रीय पार्टियों को। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आपने 2-3 स्टेट का नाम लिया जहां जहां आप जत्था लेकर गए हैं, वहां आपने जनता को ये बात समझाई है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है आपको, जनता का मिजाज कैसा है वहां? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जी, लोग आया स्वस्फूर्त रूप से आया, हमारा बात सुने, हमारा बात को सराहना किया, जो ये बात सही है और ये बात को जनता, जैसा हमारा साथ कितना लोग मिला, जैसा खेतिहर मजदूर हर जगह हमसे मिला, बोल रहा है भाई राजस्थान में 100 दिन तो दूर के बात है, 40 दिन काम मिलता है, काम नहीं मिलता सही मजदूरी मनरेगा में, मनरेगा में बहुत सारे लोग हर जगह में हमको डेपुटेशन दिया और मेमोरेंडम दिया, आशा कर्मचारियों ने हमसे मिला हर जगह में उसका समस्या वो लिख के बताया, ऐसा ही मिड डे मील कर्मचारी देखा उसका समस्या वो बताया, पेंशनर्स जो है उसका समस्या बताया, इसके साथ साथ असंगठित मजदूर जो है वो उसका जो समस्या है, जो सरकारी कार्यक्रम है वो ठीक ढंग से लागू नहीं होता, किस ढंग से बीच में भ्रष्टाचार से उसका जो सुविधाएं खत्म हो जाता है, ये सारे बात लोग आके उभर उभर के आके हमको बताया, मेमोरेंडम दिया, हम उस सबको लेके जनता को जो आवाज है हम उसको सबमिट करके हम अपना संघर्ष का जो कार्यक्रम है हम उसको तय करेंगे। किसान तो हर जगह में मिला, किसान बहुत खतरे में है, किसान बोल रहा है आज कृषि घाटे का सौदा है, खर्चा ज्यादा होता है कृषि में और आमदनी कम होता है, उसका फसल का दाम सही मिल नहीं रहा, खेत मजदूर का हालत का खराब है, किसान बिगड़ेगा मरेगा तो खेत मजदूर कैसे जिएगा, ये परिस्थिति पूरा हम जहां जहां घुमा है ये सारे लोग हमसे मिला है। अस्थाई टीचर जो है, जबकि हमारा सबको शिक्षा का लागू करने के लिए हर राज्य में 2-2 लाख का नया टीचर को भर्ती होना चाहिए, मगर केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है, यानी पूरे देश में हर स्टेट में परेशान लोगों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है परेशान लोगों का काफी परेशानी। दूसरा सवाल ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आप संदेश जत्था लेकर पहुंचे हैं, संघर्ष संदेश जत्था, आपको
मूल मकसद आपका क्या है, आप किन किन मुद्दों को उठाते हैं वहां पर, क्योंकि लोग तो आपको सारी जानकारी देते हैं, हर अपनी अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, लोगों को आप क्या बताते हैं? हाँ, मैं ही बताता हूं, इसको नाम दिया संघर्ष संदेश, संघर्ष का संदेश लेके आया, क्योंकि कमजोर मैंने जो कॉम्प्रोमाइज करके, समझौता करके, या घुटने टेक के, या भीख मांग के, हाथ फैरा के, हमारा समस्या हल नहीं होगा। इसलिए लड़ाई के बिना कोई हक हासिल नहीं हो सकता, इसलिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपना अपना समस्या समझना पड़ेगा, कौन इसके सामने खतरे है वो दुश्मन को पहचानना पड़ेगा, और उसके खिलाफ एकजुट होके सबको आवाज उठाना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये जो संघर्ष का संदेश है, यही संदेश हम सब जनता को समझा रहे हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत चालाक है, वो इकट्ठा होने में रुका देता है, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट देता है, बंगाली बिहारी के नाम पे बांट देता है, जात पात के नाम पे गुज्जार चमार या जाट के नाम पे बांट देता है। हमको किसी ना किसी तरीका से गरीब जनता को एक होने में, जैसा ब्रिटिश ने सिखाया था बांटो और शासन करो, वही चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी ने, और कुछ स्थानीय पार्टी भी ऐसा जात के आधार पर पार्टी बन रहा है, वो एक जाति आधारित पार्टी हो है, जो पहचान का राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये देश के लिए घातक है। एकता का राजनीति जो है, मिल के चलने का, मिल के संघर्ष करने का जरूरत है, ये हमारा संदेश है। आपने अभी राजनीतिक दुश्मन की बात की है, कांग्रेस और भाजपा दोनों का नाम लिया है आपने, हम ये जानना चाहेंगे कि नंबर वन और नंबर टू कौन है, दुश्मन की बात करें, क्योंकि यूपीए में आप शामिल रहे हैं फर्स्ट में, बीजेपी के साथ आपका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, नंबर वन और नंबर टू की स्थिति आज के समय में क्या है? एक दिन बराबर कोई एक स्थिति नहीं रहे, राजनीति में स्थिति बदलते जाता है जी। हमारा देश का जो पूंजीपतियां हैं, वो कांग्रेस को जब 40 साल शासन हुआ, वो सोचा कांग्रेस बदनाम हो रहा है, मगर लोग लाल झंडा के ओर ना मोड़ ना ले, उसलिए वही अमीरों कॉरपोरेट को एक दूसरे पार्टी बनाना है, एक ही है जो वही काम करेगा अलग नाम लेके, तो बीजेपी पार्टी का जन्म दिया, और ये दोनों ही कॉरपोरेट का पार्टी है, और दोनों कॉरपोरेट का पैसा से चलता है, इसलिए ये दोनों पार्टी एक सरकार में रहेगा, एक विरोध करेगा, फिर वो सरकार में आएगा, वो विरोध रहेगा। जनता फुटबॉल के तरह, ये शॉट मारे तो उसके गोल में जाए, वो शॉट मारे तो इसके गोल में जाए, ये व्यवस्था तैयार करने का कोशिश चल रहा है। हम मानते नहीं ये दो व्यवस्था, हम दोनों पार्टी एक ही है, दोनों ही दक्षिण पंथा का पार्टी है, दोनों ही आम जनता का दुश्मन है, इसलिए इसके खिलाफ तीसरी जो विकल्प है, सही विकल्प जो है, ये इसको ढूंढना पड़ेगा। हम मानते हैं वामपंथी विकल्प चलता है, क्योंकि दक्षिण पंथी का विकल्प दक्षिण पंथी नहीं हो सकता, दक्षिण पंथ का विकल्प वामपंथी हो सकता, इसलिए विकल्प के लिए हम लड़ते हैं। कांग्रेस के साथ हमारा लड़ाई बुनियादी है, क्योंकि हमारा देश का कॉरपोरेट हाउस का सबसे बड़ा पार्टी है, बाद में बीजेपी बना है, ये भी उसका मदद लेता है, मगर बीजेपी जब एक समय सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाया और पूरा देश में हिंदू मुसलमान दंगा करके गरीब को अंदर धर्म के नाम पे खून के नदी बहाया, स्वाभाविक रूप से उसी समय में सबसे बड़ा खतरे के रूप में सामने आया, इसलिए हम बोला था ठीक है कांग्रेस सरकार चलाए तो हम उसको बाधा नहीं देंगे, कम से कम सांप्रदायिकता से हाथ से छूटेंगे, मगर हमारा दुख की बात है सांप्रदायिक ताकतें हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहा है और सांप्रदायिक दंगा बढ़ते जा रहा है, दंगा ही लोग दंगा करे अलग बात है, मगर जब राजनीतिक दल झंडा लेके अपना दंगा करता है वो खतरनाक होता है। कांग्रेस तिरंगा झंडा हाथ में लेके 6000 सीट को कर कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी के मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को झंडा हाथ में लेके 4000 मुसलमान को काटा, तो ये जो धर्म के नाम पे या जनता को खत्म करना, ये जो राजनीतिक दल सीधा करते लगा, ये खतरनाक है। कि जिस सिख की बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो जमात से और प्रधानमंत्री है, और दूसरे जो नरेंद्र मोदी, जिनको आपने कहा है कि उन्होंने कटवाया लोगों को, वो भावी प्रधानमंत्री दावेदारी जता रहे हैं, पार्टी उनको पेश करने की स्थिति में आ गई है, आपको क्या लगता है? हमारा ये कहना है नरेंद्र मोदी ये जो उसको विकल्प कह रहे हैं विकल्प नहीं है, क्योंकि मनमोहन सिंह जितना ही वर्ल्ड बैंक का आदमी है, नरेंद्र मोदी उतना ही वर्ल्ड बैंक का। कुछ दिन पहले आपको मालूम है जो एक स्कूल के बारे में अमेरिका गए विद्यार्थी ने नरेंद्र मोदी को उसको टुकड़ा दिया, पहले बुलाया था और बाद में देखा, मना कर दिया, मत आना नहीं दिया, तो इसलिए क्योंकि उसमें गुस्सा किसको हुआ, गुस्सा हुआ सबसे बड़ा पूंजीपति जो गुजरात में है, वो उसके स्पॉन्सरशिप विथड्रॉ कर लिया, तो
मोदी किसका प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है या वो बड़े पूंजीपति का प्रतिनिधि है? इसलिए वो कॉरपोरेट पूंजी को सबसे ज्यादा सुविधा दिया, उसका जो विकास का लाइन है वो कॉरपोरेट को विकसित करके विकास का रास्ता है, जो कि कांग्रेस को भी लाइन है, इसलिए कोई दोनों में कोई अंतर। गुजराती आज भी नरेंद्र मोदी को इतना पसंद क्यों करते हैं? नहीं, गुजरात के पसंद करते हैं इसलिए कि वहां कोई विकल्प बोलने वाला कोई नहीं है, वहां का कांग्रेस जो है इतना घटिया कांग्रेस पूरा हिंदुस्तान में नहीं है। गुजरात का कांग्रेस वो छुपे छुपे चूरे छुपे सांप्रदायिकता करता है, एक ओपन कम्युनलिज्म है और एक है पीछे से कम्युनलिज्म करा, जिसको सॉफ्ट कम्युनलिज्म कहा जाता है। गुजरात का कांग्रेस सॉफ्ट कम्युनलिज्म करता है, इसलिए जनता कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा अंतर नहीं देखते अंदर अंदर। आपने कहा है सांप्रदायिकता को नकारने के लिए आपने कांग्रेस का साथ दिया था, लेकिन अगर आपकी बात माने तो नरेंद्र मोदी दोबारा नेतृत्व कर सकते हैं, खासतौर पर एनडीए या बीजेपी, उस समय फिर आपके सामने ये असमंजस की स्थिति, धर्म संकट आपके सामने उत्पन्न होगा, उस समय आप क्या कांग्रेस का समर्थन करेंगे? हम तो और कांग्रेस को समर्थन किया और देखा, उसका गद्दारी देखा है जी, जो जो वादा किया था पूरा नहीं किया है, इसलिए हमारा आज ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम फिर कांग्रेस को समर्थन करें। हमको हमारा जो मुद्दे का सवाल है हम इस पे बल देंगे, लड़ेंगे और इस लड़ाई में जनता को शामिल करने का कोशिश करेंगे जी। यानी उस समय आप किसी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी को बनने देंगे प्रधानमंत्री? परिस्थिति आएगा, मेजोरिटी होगा तो हम कैसे रोकने वाला है, मगर देखेंगे हम, मगर होगा ऐसा कोई उम्मीद करने का कोई ख्याल नहीं। बीजेपी भ्रष्टाचार बन नहीं रहे कामरेड हालत, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, आप लोग भी बात करते हैं हमेशा कॉर्पोरेट जगत में भ्रष्टाचार है, प्रशासन में भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार, सरकार में घोटाले हो रहे हैं, इस भ्रष्टाचार को रोकना कितना मुश्किल काम है? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस सरसों के अंदर भूत रहेगा तो उसी सरसों जितना भी छिटाओ भूत तो भागेगा नहीं, इस सरसों के अंदर ही भूत है। तो हमारा जो सिस्टम के अंदर जो भ्रष्टाचार इंग्रेडिएंट उसका बन गया है, और वही उसको कोई भी रूलिंग पार्टी जब आते हैं, जिसके पास कोई ऑनेस्टी नहीं है, जिसके पास अपना हित के बिना देश का हित सिर्फ बात के बात है, वो अपना हित के लिए उसको इस्तेमाल करके अपना किस्मत बनाता है। जब तक ये अपना किस्मत बनाने का रास्ता रहेगा ये भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकता। इसलिए हम शुरू से बोल रहे हैं, जो शासन में जो रहता है, मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, जो बड़े जो पद में रहने वाला है, इसके खिलाफ लोकपाल, मजबूत लोकपाल यूरोप में है ओम्बुड्समैन, हम ओम्बुड्समैन के तरह कोई एक ताकत को बनाने का मांग हम पिछले 33-40 साल से हमारा पार्टी कर रहे हैं, मगर कोई इसको सुनने वाला नहीं। लोकपाल बार बार, लोकपाल के बारे में बार बार हमारा दबाव में, जब हम विश्वनाथ प्रसाद सिंह को प्रधानमंत्री में समर्थन किया था, हमारा दबाव में वही समय एक लोकपाल का पहले जो मसौदा पार्लियामेंट में आया था, उसके बाद कितना सरकार आया गया, ठीक से नहीं बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। तो इसलिए एक मजबूत लोकपाल चाहिए और उसको हाथ से क्षमता होना चाहिए और उसको तहकीकत करने का जो मशीनरी उसका हाथ में देना चाहिए, नहीं तो कोई सीबीआई को जब वो भ्रष्टाचार तहकीकत करेगा तो उस काम के लिए सीबीआई उसके लोकपाल के अंडर होना चाहिए। यानी आपका कहना यह है कि जैसे भ्रष्टाचार एक भूत है तो उसको भूत को भगाने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई टोटका है तो लोकपाल है, एक है, सब नहीं है। हमारा पार्टी इसलिए सहमत नहीं है कि एक लोकपाल में हिंदुस्तान के सारे भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। हम एक पैकेज, हमारा पॉलिसी ऐलान किया, फर्स्ट तो लोकपाल होना चाहिए और उसमें सारे बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं को उसके अंदर लाना चाहिए, मगर जो कहते हैं सारे गांव का क्लर्क से लेके सारे लोग इसके अंदर आनो, तो 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ लोग को अकेला लोकपाल संभाल नहीं सकते। इसलिए हमारा कहना है ऊपर वाला के लिए लोकपाल और राज्य में राज्यों का जो नीचे अफसर है उसके लिए राज्य स्तरीय लोकायुक्त हो, और इसके अलावा हमारा सोर्स क्या है, भ्रष्टाचार का एक सोर्स है चुनाव। चुनाव में जब काला रुपया धन इस्तेमाल किया जाता है, करोड़ों रुपया जब खर्च करता है वो करोड़ों कमाएगा, जब चुनाव में भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा तो भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। दूसरा, तीसरा है हमारा जुडिशियल, हमारा विचार व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाजों के खिलाफ भी आरोप आ रहा है, तो जुडिशियरी में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए एक मजबूत जुडिशियल कमीशन होना चाहिए जो जज में भ्रष्टाचार रोक सकता। और काला धन बन रहा है, काला धन ये भ्रष्टाचार का बलबलाओं के कारण है,
पैसा लूट के विदेश में, काला धन को बंद करने के लिए वो लाना पड़ेगा। कांग्रेस बोल रहा है हमें मालूम है काला धन कौन स्विस बैंक के जमा किया, मगर हम ऐलान नहीं करेंगे। जानबूझ के जो लुटेरा है उसको नाम छुपा रहा है। तो ये जो इसको दूर करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, एक सामग्रिक पैकेज नहीं करेंगे तो सिर्फ एक लोकपाल से हमारा जिंदगी का हर पहलू में हम ये भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। जी कॉमरेड, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी ने एक भाषण दिया था कुछ समय पहले, उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की बातें हो रही है होने दो, लेकिन यूपीए सेकेंड की जो सरकार है खासतौर पर आर्थिक रूप से बहुत मजबूत रही है, विकास की दर बहुत मजबूत रही है, मतलब शिक्षा की बात करें विकास की बात करें तो उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर काम किया है यूपीए सरकार ने सेकेंड ने, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सेकेंड ने जी, सेकेंड तो नहीं कर रहे, सेकेंड में 6 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। ये जो भ्रष्टाचार आज आ रहा है ये तो सेकेंड में आ रहा है ज्यादा। जब हमारा पार्टी ने उस सरकार को समर्थन किया था बाहर से, हम उस पर 10-12 शर्त लगाया था, जब हम समर्थन करेंगे जो खेतिहर मजदूर को काम देने के लिए तुम व्यवस्था करोगे, 100 दिन का कानून उसके लिए आया, आदिवासी को जमीन का हक दोगे उसलिए आदिवासी कानून बनाया था, इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन, जनता को सारे इंफॉर्मेशन देना है, वो हमारा दबाव से वो कानून बना। हमारा दबाव से पब्लिक सेक्टर बेचना थोड़ा रोका था, जो पब्लिक सेक्टर को सरकार बेचना है उसको बंद करना चाहिए, मजदूर किसान को हक में काम करना चाहिए, LIC बैंक इसको प्राइवेटाइज विदेशी के हाथ में नहीं देना चाहिए, वो हमारा समय में उसको रोक के रखा था। तो इसलिए हमारा जैसा माइनॉरिटी को बचाना है, माइनॉरिटी सबसे वंचित है इसलिए उसके लिए कुछ करना है, उसके दबाव से सच्चार कमेटी आया था, तो हमारा दबाव से कुछ गरीब के लिए कुछ काम करवाया था। और दूसरी बात है पूरे दुनिया 2008 में डूब गया, अमेरिका ब्रिटेन, क्योंकि वो जो संकट हुआ था आर्थिक संकट वो बड़े बड़े कॉरपोरेट को जो सबप्राइम लोन दिया था उसी के वजह से, मगर हमारा पार्टी उस समय हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक को नहीं बचाता, इंश्योरेंस को नहीं बचाता, सरकार उसी समय संस्कार कर लेता तो 2008 के तरह हमारा देश भी डूब जाता। उस समय बचाता वो 5 साल तो वामपंथी के दबाव के वजह से बचाता, ये मनमोहन सिंह का क्रेडिट नहीं है। आज डूब क्यों रहा है? आज डूब रहा है क्योंकि वही रास्ता अपनाने का कोशिश कर रहा है, जिस रास्ता में दुनिया डूब रहा है हम उसी रास्ते में आगे बढ़ना चाहता है, ये हम ये जो नीति है ये हमारा स्वीकार नहीं। लेकिन जिस आर्थिक उदारीकरण नीति का विरोध करते हैं खुलम खुला आक्रोशित होते हैं आप लोग, अगर हम आपसे ये कहें या देश की जनता आपको ये कह दे कि ठीक है आपको सरकार बनाने का मौका देते हैं, आप किस आर्थिक आधार पर देश चलाएंगे? हमारा आर्थिक आज जैसा आर्थिक आधार है कॉरपोरेट और इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल आधारित, शेयर बाजार और कॉरपोरेट आधारित है, आधार है ये, बाकी दूसरे के लिए थोड़ा मोटा काम कर देता है। हमारा आधार होगा जनता किसान मजदूर कर्मचारियां, उसके स्वार्थ को आधार बना के कॉरपोरेट रहेगा, बाजार भी रहेगा, शेयर मार्केट भी रहेगा, मगर उसके ऊपर नियंत्रण रहेगा। आज जैसा सरकार बोला चिदम्बरम कि हमारा घाटा है 5,20,000 करोड़ का हमारा घाटा हुआ, इसलिए हम गरीब के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकता, मगर आप तज्जुब हो जाएंगे इसी बजट में कॉरपोरेट हाउस बड़े बड़े कंपनियों को 5,73,000 करोड़ का टैक्स छूट दिया। ये छूट ना देता तो तुम्हारा कोई घाटा नहीं होता, सब अच्छा इन विनिवेश के लिए पैसा मिलता, नया नया कारखाना बनता, बेरोजगार को काम मिलता। तो ये सरकार का नीति जो है कॉरपोरेट आधारित है, इसलिए कॉरपोरेट को बेनिफिट मिलता, आम लोग का उस संकट जो है उसका बोझ गरीब पर ढकेल दिया जाता है। हमारा नीति होगा विकल्प, आम जनता के ऊपर आधारित नीति होगा और कॉरपोरेटों के ऊपर नियंत्रण रहेगा, मगर उसके ऊपर सही नियंत्रण रहेगा। जी अब राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, जैसे आप जत्था लेकर आए हैं, फीडबैक मिल रहा है आपको, क्या तैयारी कर रही है माकपा? राजस्थान में ये जो है एक तो कांग्रेस और भाजपा का चलता है, और दोनों का राज के बारे में राजस्थान का जनता मालूम है, कैसे राज चलाया, कैसे जनता को धोखा दिया, ये सारे बात है। तो इसलिए हमारा कहना है कि राजस्थान में एक विकल्प तैयार करना चाहिए, और वो विकल्प हम है कहना चाहता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ एक ताकत को जनता चुने जो है वाम जनवादी ताकत, वामपंथी का एकता बना के, जैसा CPIM, CPI,
समाजवादी पार्टी भी राजस्थान में हमारा साथ 3-4 साल से है, या जनता दल सेकुलर भी है, ये 4-5 पार्टी मिला के हम एक वाम जनवादी विकल्प, हम जोड़ तोड़ कर राजनीति में विश्वास नहीं करता, उसमें नुकसान ही होता है देश में। हम चाहते हैं उसूल पर आधारित, नीति पर आधारित, कार्य सूची पर आधारित एक प्रोग्राम बने जिसके इर्द गिर्द में हम जनता को गोलबंद करने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम वामपंथी जनवादी विकल्प के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आंदोलन किया। पिछले कांग्रेस और बीजेपी दोनों का जमाना में हमारा पार्टी छोटा पार्टी है, 1 MLA था अमराराम, अकेला विरोधी पार्टी का भूमिका निभाया, मगर बीजेपी चुपचाप बैठ, लेकिन आज आप 3 है, आज 3 है, आज कांग्रेस चुपचाप बैठे रहता है, मैं बीजेपी विरोधी पार्टी का भूमिका नहीं निभा, हमारा 3 MLA वहाँ हर बात में राजस्थान को विरोधी का भूमिका, पहले 1 अब 2 अब 3 सॉरी, और कल कितना होगा आपका? हमारा जो काम है, आंदोलन है, जनता के बीच में हमारा जो प्रभाव बढ़ रहा है, बड़े बड़े रैली में जो लोग जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमारा आसन बढ़ेगा। हम एक इफेक्टिव इफेक्टिव विरोधी के रूप में हम उभर के आएंगे, ये हमारा उम्मीद। फिर भी सीटों की बात करें तो क्या आकलन है आपका? सीटों का हम देखते हैं, हम 4 पार्टी मिलके हम लड़ेंगे सब सीट। आपने किरोड़ी लाल का नाम नहीं लिया? किरोड़ी लाल के नाम इसलिए नहीं लिया, वो तो एक आजकल बीजेपी से निकाल के वो एक पार्टी बनाने का काम कर रहे हैं, वो भी एक, मगर वो जो विकल्प को बात कर रहे हैं, वो जो विकल्प आदिवासी का उधर प्रभाव है, वो स्वीकार नहीं करता, मगर वो जो विकल्प का नाम कर रहा है कोई नीति पर आधारित नहीं है। उसका क्या नीति है? उसका शिल्प नीति, उद्योग नीति क्या है? उसको कृषि नीति क्या है? उसका कार्य नीति क्या है? आज महिला पर जो अत्याचार हो रहा है उसका नीति क्या है? इसको विकल्प नीति का आधारित कोई बात नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का हरा बोलने से कोई विकल्प नहीं बनता। विचारधारा के साथ, विचारधारा के साथ समझौता नहीं कर सकता। हो सकता चुनाव जब आगे आएगा कुछ सीट में तालमेल हो सकता, मगर कोई नीति आधारित एकता, हम तो हम जो तीसरी वाम जनवादी एकता बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इससे बाहर वाला का कोई किसी के अंदर कोई विचारधारा ऐसा नहीं है जिसके साथ हम मिलके चल सकते। कामरेड, एक सवाल, अभी मजदूर आंदोलन हुआ, 2 दिन की हड़ताल रही, आजादी के बाद संभवतः पहली बार ऐसा हुआ कि जब 4 ट्रेड यूनियनों ने एक साथ मिलकर इतनी बड़ी हड़ताल की और कामयाब रही हड़ताल। क्या असर पड़ेगा इस हड़ताल का? इसका असर यही पड़ेगा जो बात हमारा पार्टी बोल रहा है, हमारा पार्टी बार बार बोलता है दल आधारित नहीं, वर्ग आधारित एकता चाहिए जी। वर्ग और मजदूर वर्ग को एकता बनेगा तो मजदूर वर्ग एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ सकता। आज ग्लोबलाइजेशन के बाद मजदूर पर इतना बड़ा हमला है, कोई एक एक जगह का मजदूर इसको मुकाबला नहीं कर सकता, सारे मजदूर को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। और आजादी का बाद पहले बार मजदूर CPM मजदूर या BJP मजदूर या कांग्रेस मजदूर के नाम पे नहीं, मजदूर मजदूर के नाम पे इकट्ठा हुआ, मजदूर का नाम पे मजदूर अपना हक के लिए लड़ाई लड़ा। ये जो है ये सकारात्मक चीज है, मजदूर के अंदर वर्गीय एकता को मजबूत करेगा, और आने वाला दिन में मजदूर एकता जितना मजबूत होगा उतना ही आज परिस्थिति बदलने का लड़ाई में मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि जो मजदूर आंदोलन का जो एक परिणाम आएगा, खासतौर पर हम चुनाव की बात करें, आगामी लोकसभा की बात करें, तो क्या कोई नया समीकरण बनेगा? हाँ, बन सकता, मजदूर के एक हिस्सा देखेंगे कौन हमारे लिए लड़ रहा है जी। आज राजस्थान में ट्रेड यूनियन, नया ट्रेड यूनियन बना नहीं सकता, रजिस्ट्रेशन होना बंद हो गया, जहां जहां था उस पर जुर्म हो रहा है, तो मजदूर देख रहे हैं ये कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकार का एक मजदूर नीति मजदूर विरोधी था, तो इसको हम जनता के समझाने का कोशिश करेंगे। 2 ही सरकार पानी नहीं दिया, जब राज्य रेगिस्तान में पानी के बिना जिंदगी नहीं आगे बढ़ सकता, और दोनों सरकार पानी के लिए लड़ाई को गोली चलाया, लाठी चलाया, मारने का कोशिश किया, तो जो मुख्य जरूरत का चीज है उसको सामने लेके हम जो लड़ाई लड़ रहा है मुद्दे पर, इस लड़ाई को आगे बढ़ा के हम राजस्थान के आम गरीब जनता को एकजुट करने का कोशिश हम करते रहते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे जी। कामरेड, आप कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।